जाओ, बंद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उड़ता पतंग। तो रिसेंटली एक वीक के लिए मैं और रितिका दोनों सिंगापुर घूमने के लिए गए थे। आज हम लोग आपको विवोसिटी मॉल में DJI के फ्लैगशिप स्टोर लेकर के चलेंगे। तो फटाफट सुबह ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर के हम निकले और हमने बस लिया। पहली बस से हम एक पॉइंट पे गए, देन फिर वहाँ से हमने मेट्रो लिया विवोसिटी मॉल पहुँचने के लिए। तो विवोसिटी मॉल बहुत ही बड़ा मॉल है सिंगापुर का, आप देख सकते हो। उस दिन हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, तो सिंगापुर में आपको अम्ब्रेला लेकर साथ में चलना चाहिए क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बट इतना भी हैवी नहीं था एंड इसके वजह से थोड़ा क्राउड भी कम था। तो हम लोग लगभग अपने होटल से एक घंटे में विवोसिटी मॉल पहुंच गए और हमने फटाफट मॉल के अंदर DJI का स्टोर ढूंढा। यहाँ के स्टाफ बड़े ही फ्रेंडली थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा कुछ जो कि उनके स्टोर्स में अवेलेबल था। उन्होंने ड्रोन के बारे में भी बताया एंड देन कौन से मेमोरी कार्ड को लेना चाहिए, कौन सा सही रहता है, वो सारा कुछ बताया। एंड देन बहुत सारे एक्सेसरीज़ भी उनके स्टोर में लिस्टेड थे, जैसे कि प्रोपेलर गार्ड हो गया, आपका ND फ़िल्टर्स हो गया, UV फ़िल्टर्स हो गया, एंड इवेंट ड्रोन को लैंड कराने के लिए जो लैंडिंग पैड आता है वो सब भी उन लोगों ने दिखाया बड़े अच्छे से। तो अगर आप ड्रोन को बहुत ही सैंडी और डस्टी सरफेस से टेक ऑफ और लैंड कराते हैं तो अंदर जाने का खतरा रहता है, इसीलिए एक लैंडिंग पैड या फिर प्लेन सरफेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बट बिलिंग कराने के लिए गया क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लियर था कि मुझे DJI Mini Pro कॉम्बो पैक लेना था विथ नॉर्मल RC। वो मेरे यूज़ केस के साथ फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैंने फटाफट फाइनल किया अपने ऑर्डर पैक्स को एंड देन बिलिंग कराया। हमने वहाँ स्टोर वालों को ये भी बताया कि हमें GST रिफ़ंड चाहिए कि हम लोग टूरिस्ट हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप GST रिफ़ंड ले सकते हैं। आप कोई भी परचेज़ कर रहे हो तो उस पर 5% आपको एयरपोर्ट पर रिफ़ंड मिल जाता है। उसके बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा जब हम लोग सिंगापुर से इमिग्रेशन चेकआउट करेंगे। हमने फटाफट बिलिंग कराया एंड देन वहाँ पे टेस्टिंग के लिए अनबॉक्सिंग करा ही लिया था एक तरीके से, बट डिटेल में अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। यहाँ पे वहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप जैसे इंडिया में आपको चेक इन बैगेज में ड्रोन रखना पड़ता है और बैटरी और कंट्रोलर वगैरह आप केबिन बैगेज में लेकर आते हैं, ऐसा सिंगापुर में रूल नहीं है। यहाँ पे आपको ड्रोन कैरी करने के लिए आप केबिन बैगेज में ही ले जा सकते हैं, बैटरी आपको निकाल के रख लेना होता है, प्रोपेलर वगैरह सब कोई इंटैक्ट रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों ने एक एक पार्ट को अच्छे से निकाल करके एक्सप्लेन किया, फर्मवेयर अपडेट कराया, टेस्ट फ्लाइट भी करा करके चेक कराया, दिखाया कि सारा प्रोडक्ट सही है। एंड देन फिर फटाफट हमने बोला इनको प्लीज़ आप पैक कर दो क्योंकि हमें लेट हो रही थी वापस होटल निकलने के लिए। तो फटाफट ड्रोन लेकर के हम लोग मॉल से बाहर निकले एंड देन बस लिया होटल की तरफ। आज फाइनली आते हैं ड्रोन के प्राइस पे, ये कितने का मुझे पड़ा। तो एक्चुअली ये मुझे 76,000 का MRP पे पड़ा वहाँ पे एंड देन उसके ऊपर 5% GST एयरपोर्ट पे रिफंड हो गया, तो अराउंड 72,000 लमसम के अराउंड मुझे ये ड्रोन पड़ा, जो कि बहुत ही सस्ता है। इंडिया में आपको ये सेम ड्रोन 1,20,000 1,25,000 के प्राइस पे ब्लैक पे मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा डील मिला एक्चुअली मुझे। आज का दिन एक्चुअली बहुत ही हैक्टिक था, बट रास्ते का नज़ारा इतना ही एक्साइटिंग था कि सारी थकावट हम भूल गए। एक्चुअली होटल वापस जाने के बाद मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो एंड इनिशियल सेटअप का वीडियो भी रिकॉर्ड करना था, तो वो मैं अगले व्लॉग में लेकर के आऊँगा। और अगले दिन हमें यूनिवर्सल स्टूडियो जाना है, तो स्टे ट्यून फॉर दी अपकमिंग ब्लॉग। तब तक के लिए शॉर्ट्स देखते रहें, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बेल बटन जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे जब भी नया ब्लॉग रिलीज होगा।